आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट 5 डिफरेंट गार्मेंट्स जो हमने 5 डिफरेंट साड़ी से बनाए हैं। क्या है ये गार्मेंट्स और इनको बनाने के लिए साड़ी के कौन से पार्ट्स को हमने किस तरीके से यूज किया है, कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो अगर आपके घर में कोई वेडिंग है, कोई पार्टी है जिसके लिए आप अपने आउटफिट्स को कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी पुरानी साड़ीज को यूज कर सकते हैं। आई थिंक आप में से सबको कोई ना कोई साड़ी ऐसी मिल ही जाएगी इस वीडियो में जो आपके पास होगी, उससे सिमिलर होगी, सिमिलर फैब्रिक्स, पैटर्न्स या कलर स्कीम्स में होंगे। सो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो याद से हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपके साथ हमारी एक कॉकटेल ड्रेस को शेयर किया है, उसका कम्प्लीट डिजाइन डिटेल हमने वहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। इनफैक्ट उसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी है वहाँ पे कि आप उसका एक जूल्ड नेकलाइन किस तरीके से बना सकते हैं। सो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी, मेक श्योर आप उसे जाके एक बार जरूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहले ये प्लेन ब्लू सिल्क साड़ी, क्योंकि प्लेन साड़ी है तो इसमें से इजीली आपका एक सलवार सूट इजीली निकल आएगा। तो आपकी जो भी प्लेन साड़ीज़ हैं आप उसमें से सलवार सूट निकाल सकते हैं। कंप्लीट पटियाला सलवार चाहे ना निकले बट स्टिल एक अच्छी वॉल्यूम की सलवार आप इसमें से बना सकते हैं। एंड क्योंकि एक डिफरेंट कलर का पल्लू था इसका, हम उसे यूज करना चाहते थे और आई थिंक प्लेन पूरी साड़ी है, इसका जो कम्प्लीट वर्क है वो इसके पल्लू में ही देखा गया यहाँ पे। तो इसका जो पल्लू है उसको हमने इसके योक में कन्वर्ट कर दिया है। हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी अपलोड की थी जो सिर्फ सारी पल्लूज के ऊपर थी कि पल्लूज का आप यूज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यूजुअली हेविली एम्ब्रॉयडर्ड एरिया वही होता है साड़ी का। तो यहाँ पे हमने उस पल्लू में से योक बना के इस साड़ी का फ्रंट इस तरीके का पैच रेडी कर लिया है। आप चाहे तो एज अ पैच इसे यूज कर सकते हैं या आप ऐसे पल्लू को फ्रंट पैनल की तरह भी यूज कर सकते हैं कि सेंटर पैनल इसका आ गया, साइड पे प्लेन आ गया। डिपेंड करता है आपके पल्लू की लेंथ और विड्थ और पैटर्न के ऊपर। इस साड़ी के जो बॉर्डर्स थे उनको एज इट इज हमने एक दुपट्टा सेम पिंक कलर में डाई करवा के बॉर्डर्स को उस दुपट्टा के ऊपर लगा दिया। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आपने कंप्लीट साड़ी को यूज किया, उसके पल्लू को यूज किया, उसके बॉर्डर्स को और जो प्लेन पार्ट है कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जिसको हमने छोड़ दिया, यूज किया है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट पैटर्न हमने इसमें से बनाया। सो इस तरीके के सलवार सूट्स आप इजिली अपनी प्लेन सिल्क साड़ीज में से बना सकते हैं। नेक्स्ट अगेन ये प्रिंटेड सिल्क साड़ी थी जिसका पल्लू डिफरेंट प्रिंट में था एंड रेस्ट ऑफ द साड़ी जो थी वो डिफरेंट प्रिंट में। तो इसके पल्लू का बाय डिफॉल्ट ही पैटर्न ऐसा था कि उसको देखते ही हमने रिलेट किया कि एक बहुत अच्छा स्कार्फ बन सकता है। तो हमने उसे एज इट इज निकाल के उसका एक स्कार्फ बना दिया जिसको हमारे क्लाइंट यू नो अपने किसी भी कुर्ता सेट या टॉप्स के साथ उसे पेयर अप कर सकते हैं। एंड जो बाकी प्रिंटेड साड़ी हमारी बची है उसमें से हमने ऊपर फ्रंट स्लिप जैकेट या श्रग आप कह सकते हैं वो बनाया है विद अ प्लाजो जो कि सेम साड़ी में से हमने निकाला है। बिकॉज ग्रे कलर है तो मे बी हल्का सा यू नो आपको लग सकता है कि कलर का एलिमेंट इसमें मिसिंग है, थोड़ा सा ब्राइट एलिमेंट होना चाहिए था। तो इसके जो प्रिंट में फ्लावर्स का कलर है वो सेम कलर उठा के हमने इसके अंदर एक प्लेन सिल्क का कुर्ता इसके नीचे बना दिया है जिसको आप सेपरेटली भी पहन सकते हैं। और इस जो पैटर्न हमने साड़ी में बनाया है इस पैटर्न को कम्प्लीट करने के लिए भी इस कुर्ता को पेयर अप कर सकते हैं इसके साथ। तो एक फ्लेरी लॉन्ग जैकेट है जिसको आप पार्टीज में भी पहन सकते हैं, इनफैक्ट कोई हेवी क्रॉप टॉप या प्लाजोज के साथ पेयर अप करके भी यूज कर सकते हैं। आपके स्कर्ट सेट्स के ऊपर भी आप इसे पहन सकते हैं। यू नो लॉन्ग जैकेट्स जो है उनके कितने मल्टीपल यूजेस होते हैं, सो यू नो वी मेड इट इन अ वे कि आप इसे मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल चीजों के साथ पहन पाए। सेम गोज विद द प्लाजो, प्रिंटेड प्लाजो को आप प्लेन कुर्ताज के साथ पेयर अप कर सकते हैं और एक दुपट्टा पेयर अप कर लेंगे जो कम्प्लीट सूट सेटअप का बन जाएगा। तो इस आउटफिट में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको सेपरेटली भी आप यूज कर सकते हैं, इनको कंबाइन करके भी आप यूज कर सकते हैं। ऑन द सेम नोट कि आप एक साड़ी में से मल्टीपल गार्मेंट्स निकाले जिनको अलग अलग करके भी आप डिफरेंट गार्मेंट्स के साथ पहन सकते हैं और एक साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, हमने ये जैकेट और अनारकली सेट बनाया है। इस अनारकली की लेंथ छोटी रखी गई है यानी कि फुल लेंथ अनारकली नहीं है ये, हमारे क्लाइंट को ऐसा ही अनारकली चाहिए था जो थोड़ा शॉर्ट लेंथ हो, काफ लेंथ से थोड़ा ऊपर आ रहा हो, तो इस अनारकली की लेंथ कम है। अदरवाइज एक नॉर्मल अनारकली है विद फुल फ्लेयर और इसकी जो जैकेट है ये हमने इसके पल्लू में से क्रिएट की है। जैकेट का फ्रंट पल्लू में से निकाला गया है और जैकेट का जो बैक है उसे जो साड़ी के बॉर्डर्स थे उनको ज्वाइन करके हमने इंटायर बैक क्रिएट किया है इस जैकेट का। सो यू नो अगर आपको फैब्रिक कम पड़ रहा है ना तो आप बॉर्डर्स को जोड़ के भी एक इंटायर फैब्रिक बना सकते हैं जिसमें से आप अपनी पसंद के यू नो पैचेस या योक्स या इस तरीके से जैसे हमने जैकेट का बैक निकाला आप निकाल सकते हैं, स्लीव्स निकाल सकते हैं,
सो काफी मल्टीपल यूजेस होते हैं आपके साड़ी के फैब्रिक के. इट्स ऑन योर क्रिएटिविटी या किस हद तक अपने साड़ी के फैब्रिक को यूज करना चाहते हैं. अगेन ये प्लेन अनारकली अलग से पहना जा सकता है विद अ हेवी दुपट्टा, जैकेट के साथ पहना जा सकता है, जैकेट को किसी और चीज के साथ पहना जा सकता है. सो इट्स नॉट लिमिटेड टू वन थिंग ओनली कि साड़ी को रीयूज करके आपका एक ही गारमेंट बनाए. नहीं, आपके मल्टीपल गारमेंट्स भी बन सकते हैं. जरूरी नहीं है एंटायर साड़ी को आप एक ही चीज में यूज करें, उसमें से दो चीजें भी बन सकती हैं. इनफैक्ट जो पिछली साड़ी थी उसमें से तो तीन चीजें निकल गई थी. एक स्कार्फ निकल गया, एक प्लेन जैकेट निकल गई विद अ प्लाजो, जिसको आप समर्स में किसी भी टाइप के प्लेन कुर्ता के साथ पेयर अप कर पाएंगे. नेक्स्ट जो है हमारे पास दो कम्प्लीटली प्लेन जॉर्जेट की साड़ीज आई थी. अब दो की बात यहाँ पे मैं एक साथ इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दोनों का कॉन्सेप्ट सेम था कि उन दोनों पे गोटा वर्क किया गया. क्योंकि कम्प्लीट प्लेन साड़ीज थी, कोई बॉर्डर्स कोई पल्लूज नहीं थे, तो उनमें से प्लेन कुर्ता सेट्स हमने बनाए हैं. दोनों पे हमने गोटा वर्क किया है. एक स्ट्रेट कुर्ता सेट है यानी कुर्ता और प्लाजो है. दूसरा जो है वो हल्का सा फ्लेरी कुर्ता है. टॉप जो उसका है वो फ्लेरी है और बॉटम अगेन प्लाजो है. सो यू नो प्लेन साड़ीज तो रनिंग फैब्रिक्स की तरह ही आप ट्रीट कर पाएंगे. उनमें से तो आप ऑलमोस्ट कुछ भी बना सकते हैं बिकॉज बॉर्डर्स नहीं होते, कोई प्रिंट कोई पैटर्न नहीं है उसमें, कोई पल्लू नहीं है जिसकी वजह से आप रिस्ट्रिक्टेड फील करें. सो उन प्लेन साड़ीज में से दो सिमिलर साड़ीज थी, एक ही क्लाइंट की दो जॉर्जेट साड़ीज थी, जिनमें से हमने ये दो सूट सेट्स बनाए हैं. नेक्स्ट अगेन ये एक सिल्क की साड़ी थी हमारे क्लाइंट की. इसका जो ब्लाउज था, साड़ी का ही ब्लाउज था, उनके मदर का ब्लाउज था, जो हमने इनके लिए लहंगा का ब्लाउज बना दिया. अब इसकी लेंथ उनको हल्की सी छोटी लग रही थी क्योंकि साड़ी की ब्लाउज की लेंथ कम होती है, लहंगा में यू मे रिक्वायर अ बिट लॉन्गर सो दैट वो थोड़ा सा लंबा हो सके. फर्स्ट थिंग हमने उसके नीचे से हल्की सी फोल्डिंग निकाल दी उसकी, यानी कि जो अंदर फोल्ड किया गया होता है ब्लाउज के अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होता है. सेकेंडली हमने उसके नीचे ये फ्रिंज लेस लगा दी. तो फ्रिंजेस क्योंकि काफी घने हैं और पास पास प्लेस्ड हैं, तो उनको वो फील नहीं हो रहा था कि ब्लाउज काफी ऊपर है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स, बल्कि ज्यादातर जब आप कोई रीयूज प्रोजेक्ट करते हैं, सारी रीयूज प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आपको जो डिजाइन है ना वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा. यानी कि जरूरती डिजाइन ज्यादा होता है इन चीजों में, सो दैट वो फिट इन हो सके गार्मेंट में. अब यहाँ पे हमें जरूरत नहीं थी एक फ्रिंज लेस की, बट बिकॉज लेंथ उनको कम लग रही थी इसलिए वो लेस वहां पे ऐड करनी पड़ी हमें. सो फ्रिंज लेस ऐड हमने ब्लाउज को एज इट इज यूज किया, जस्ट हल्के फुल्के फिट्स होने थे उनके साइज के अकॉर्डिंग, वो हमने कर दिए. और जो बाकी साड़ी थी उनकी, उसके हमने नीचे की स्कर्ट उनकी बनाई है. अभी ना आपको कंप्लीट लहंगा लुक इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे बिकॉज इसके नीचे कैन नहीं अटैच की गई, वो नहीं चाहते थे इसे कैन के साथ पहनना. सो अगर आप एक कंप्लीट बाउंसी फ्लाउंसी लहंगा लुक चाहते हैं तो आपको कैन की जरूरत इसके नीचे डेफिनेटली रहेगी. वन थिंग मोर, ये जो हमने डिजाइन आपको दिखाए हैं ये इंटायरली प्योरली हमारे डिजाइन नहीं है. इनको कस्टमर्स के अकॉर्डिंग यू नो चेंज किया जाता है, उनकी प्रेफरेंस उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको लिमिटेशन कुछ रहती है हमारी भी, क्योंकि उनकी चॉइस और उनकी प्रेफरेंस ही मैटर करती है. दैट इज द थिंग जिसको हम ज्यादा ध्यान देते हैं. सो बिफोर यू थिंक इसमें ये और हो जाता, ये चीज आप ऐड कर देते, इस तरीके से कर देते, दैट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू नो प्रैक्टिकली जिन्होंने पहनना है उनकी प्रेफरेंस यहाँ पे मैटर करती है. सो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आपको फील होते हैं अपने गार्मेंट्स में कर सकते हैं. सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. साड़ीज एक ऐसी चीज है जिनको अगर आप खरीदेंगे उनकी उनपे जो खर्चा आपने किया ना वो कभी जाया नहीं जाता, बिकॉज पहले आपने उसे साड़ी पहना उसके बाद इस तरीके के गार्मेंट्स आप उनमें से बना सकते हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी ये साड़ी रीयूज वीडियो देख रहे हैं तो हमारी ऐसी और भी वीडियोस हैं जिनसे आपको और भी ज्यादा आइडियाज मिल सकते हैं. उन वीडियोस के कंप्लीट वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं. सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो याद से इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.